ये उस किसान की कहानी है जिसके ऊपर सूरज आग उगलता रहा और नीचे तपती धरती चुनौती देती रही। वो जलते सूरज की आंखों में देखकर मुस्कुराया और तपती रेत को अपनी कर्मभूमि बना लिया। जब बादल बरसे तो पानी से सींचा और जब न बरसे तो अपने पसीने से। न कभी रुका न थका। सारी दुनिया में राजस्थान जैसा प्रदेश नहीं है। रंग बिरंगी संस्कृति से सजा राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। खेती और उससे संबंधित गतिविधियाँ यहाँ के लोगों की आय का प्रमुख स्रोत हैं। भौगोलिक विषमताओं के बावजूद वीरों की इस धरती पर किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि राजस्थान आज कई फसलों के उत्पादन में देश में अव्वल है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हमने रिसर्जन राजस्थान किया था तो मुझे याद है कि रिसर्जन राजस्थान के टाइम में लोगों ने ये कहा था, अरे ये बड़े लोगों का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बड़े लोगों का कॉन्फ्रेंस नहीं है, निवेशकों का कॉन्फ्रेंस था, जिसमें हम चाह रहे थे कि निवेशक यहाँ आए, राजस्थान के अंदर घूमें, देखें और यहाँ अपना पैसा लगाएं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उन्होंने पैसा लगाया भी। और आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें हम चाहते हैं कि जो आपके मंच पे बैठे हैं वो लोग भी मेहनत करके आज इस यहाँ तक पहुँचे हैं और इनका जो एक किस्म से जो वो सीख पाई है वो, और उन्होंने जो अपनी इंडस्ट्री लगाई है उसको वो हमारे किसानों के साथ जोड़ें तो उसका फ़ायदा भी हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हमने लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन का कार्यालय चलाया है। इसमें एक्वापोनिक्स एक नई चीज़ है, जैसे जैविक खेती के नवाचारों पर हम लोग बल दे रहे हैं। हम कृषि औजार बनाने वाले उद्योगों के साथ लगातार कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर भी काम कर रहे हैं। और मैं ये घोषणा करते हुए मुझे खुशी है कि प्रदेश की सभी पंचायत समिति के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर हम स्थापित करने जा रहे हैं। इन केंद्र के माध्यम से किसान भाई खेती के लिए एक आधुनिक किस्म की मशीनरी किराए पे ले सकते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगी और ये केंद्र इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। ग्राम का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे शोकेस के रूप में हमारे जो उत्पादन है, हमारे जो प्रोडक्शन है, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर राजस्थान की कृषि को मजबूती प्रदान करने का हमारा लक्ष्य है। जिस प्रकार से राजस्थान मजबूती से अनुकूल राज्य के रूप में, निवेश के अनुकूल राज्य के रूप में विकसित हो रहा है और इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जो सर्वाधिक स्थान रखने वाले उन राज्यों में राजस्थान भी पहले स्थान प्राप्त करने की अपनी जो कोशिश है वो साथियों आप सबके सहारे ही संभव हो सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री के मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए ग्राम में उद्देश्य लेकर चले थे कि खेती में लगातार उत्पादन बढ़े, फसलोत्तर हानि कम हो, खेती से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिले, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन से किसानों की आमदनी बढ़े, कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा हों और हमारे किसानों को दुनिया भर के खेती के नए तरीकों और तकनीकों की जानकारी मिले। करौली जिले में गत 3 वर्षों में राजस्थान सरकार के 3 वर्षों में 1558 फार्म पॉइंट का निर्माण हो चुका है, जिसका किसान सिंचाई के रूप में काम में ले रहे हैं। वर्षा के जल के उपयोग के साथ साथ पानी की बचत के लिए कृषि सिंचाई पाइपलाइन योजना भी लागू है। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कृषकों को लागत का 50% अथवा अधिकतम 15,000 रुपये प्रति कृषक अनुदान दिया जाता है। जिले में इस योजना में 1845 कृषक लाभान्वित हैं।
और इससे हमारी जो है 20-25% सिंचाई पानी की बचत हुई है। प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक को निःशुल्क सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जाना है। सॉयल हेल्थ कार्ड की सिफारिश के आधार पर किसान खेती करेगा तो खेती की लागत कम आएगी, भूमि का स्वास्थ्य सुधरेगा और किसान का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और एक मिसाल के रूप में ये कार्ड कृषक उपयोग कर सकेगा। ड्रिप सिंचाई विधि से पानी की लगभग 70-80% बचत हो जाती है। स्प्रिंकलर से 40-50% बचत हो जाती है। ज़िले में अब तक ड्रिप से 266 और स्प्रिंकलर से 109 किसानों को लाभान्वित किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र सिंचाई के लिए बहुत अच्छी विधि है। इसमें किसानों को 30%, 60% एवं 75% अनुदान दिए हैं। इसमें अब तक जो ज़िले में लाभान्वित किए गए किसानों की संख्या है वो 28 है और इसमें 5 हॉर्स पावर की मोटर चला के अच्छी तरह से सिंचाई की जा सकती है। ड्रिप संयंत्र भी इस पर लगाया जा सकता है। फसलों के मुकाबले इससे 3-4 गुना तक अपन जो पैदावार ले सकते हैं। अपने ज़िले में नींबू और अमरूद के बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। अब तक के इस ज़िले में लगभग 79 कृषकों को 3 वर्ष में लाभान्वित किया गया है। ऑफ सीजन में फसलों की खेती करने के लिए ग्रीन हाउस एक बहुत ही उत्तम तकनीकी है। इसमें घरनुमा एक ढांचा बनाया जाता है जिसमें फसलों की खेती की जाती है। अब तक के इस ज़िले में 4 किसानों को 5040 वर्ग मीटर में ये लगवाया गया है और इसमें जो मुख्य फसलें ली जा सकती है वो है टमाटर, मिर्ची, खीरा और फूलों वाली फसलें। इसमें 2000 वर्ग मीटर से लगभग 400,000 की फसल एक ही सीजन में पैदा की जा सकती है। सर्दियों में बेलों वाली फसल करने के लिए लो टनल एक बहुत ही उच्च तकनीकी है और बहुत ही सस्ती पड़ती है। अभी तक इस ज़िले में इसको लगवाया नहीं गया है लेकिन इस वर्ष हम 30 किसानों को इसको लगवाने जा रहे हैं और इसके द्वारा जनवरी फरवरी के महीने में भी हम लोग कुकर वृक्ष की खेती कर पाएंगे जिनको जल्दी से हार्वेस्ट करने पर और अच्छी उपज मिलेगी और अच्छा ही उसका भाव मिल जाएगा जिससे किसान लाभान्वित हो सकेंगे।